जैकपॉट दोस्तों, एक दिन लगता है लेकिन बार बार नहीं। लेकिन जिसको मार्केट का पकड़ हो वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर दिन जैकपॉट लगा सकता है। और वही दोस्तों हो रहा है ग्रुप पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूँ, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। कल का दिन अगर एक जैकपॉट था तो आज के दिन अगेन वही जैकपॉट या फिर मेगा जैकपॉट रिपीट हुआ है। मार्केट खुलते ही दोस्तों 10:08 पे क्लियर आप देख सकते हैं दोस्तों, खुलने के बाद क्लियर कट डायरेक्शन आता है 48,812 के ऊपर। अगर 2-5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो हमें कॉल खरीदना है। एक कैंडल तो क्लोज किया था, दूसरा क्लोज करने ही वाला था, 3 मिनट बाकी था, उससे पहले अपडेट दे दिया। उसके बाद क्या था मेरे भाई, मार्केट ब्रेक किया, सेटअप एक्टिवेट हुआ, सीधा कॉल बाय। उसके बाद आप देखिए 2 कैंडल इनफ है पूरे दिन बनाने के लिए। आपका 100 पॉइंट से ज्यादा दोस्तों ऑप्शन पे आपको मोमेंटम मिला है। इवन हमारे अपने प्रीमियम ग्रुप पे भी 48,600 का कॉल दिया था 374 पे, और वो 478 दोस्तों एक झटके में आप देख सकते हैं चला गया, वो भी 5 मिनट पे। यार फ्री में तो ऑलरेडी मोमेंटम होने से पहले दे दिया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जाके ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन भी दोस्तों मार्केट खोलते ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का लेवल दिया था। निफ्टी का तो 22,623 के ऊपर भाई कल के दिन बाय करने को दिया था। मैंने कहा ना जैकपॉट एक बार लगता है लेकिन जिसको पकड़े बार बार लगा सकता है। परफेक्टली ब्रेकआउट किया कल के दिन भाई, वन फ्लो में भी कल के दिन 100 पॉइंट का निफ्टी मूव दिया है। देखो सेटअप आपके सामने है, जो भी है लाइव मार्केट में है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों अभी कभी। और कल के दिन डबल एक्सपायरी है तो डबल जैकपॉट में कहना चाहूंगा। और ये वीडियो दोस्तों ओनली एंड ओनली निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है। यहां पे निफ्टी और मिड कैप निफ्टी हम एनालिसिस करने वाले हैं। आप बोलोगे भाई साहब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, उसको भूल कैसे गए? भाई नहीं भूला हूं यार, आप लोग सब्सक्राइब करके बस बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, 6 बजे करेक्ट वीडियो आ जाएगा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, क्योंकि दो दो एक्सपायरी होने वाला है तो यार डिफरेंट डिफरेंट रखना पड़ेगा। और वैसे भी डेली में 2 वीडियो बनाता हूं। ओके, तो पहला वीडियो दोस्तों निफ्टी को डेडिकेटेड रहेगा। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं यार, देखो 2 दिन इतना अच्छा प्रॉफिट दिया, आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो दिल से बोल रहा हूं मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो यार लाइक कर दिया करो, और जो भी आपने कॉल पुट होल्ड किया है पहले कमेंट कर लिया करो। ओके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी से, और सेकेंड वीडियो 6 बजे आ जाएगा। और डेली 2 वीडियो डालता हूं। ओके, जिसका भी एक्सपायरी उसका पहला वीडियो आता है, बाकी नॉर्मल एनालिसिस आता है, तो डेली मिस ना हो वीडियो। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। पहला पॉइंट नंबर ए, अगर कल के दिन प्लान नंबर ए ये है, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन खुला, उसके बाद दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ एंड कहीं ना कहीं 22,617 लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, देन डेफिनेटली दोस्तों यहां से आपको निफ्टी अगेन अपना डाउनफॉल कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे आज के दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बियर अटैक होता हुआ दिखा, इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग में कहूंगा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्तों ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड एंड देन ये है राइट शोल्डर, और जैसे ही ब्रेक डाउन किया दोस्तों कहीं ना कहीं डाउनफॉल का मोमेंटम हुआ। और आखिर में अगर आप देखोगे यहां पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अगर ये रेंज ब्रेक डाउन हो जाता है 22,617 यानी कि आज का लो, जहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके निफ्टी थोड़ा अपने आपको रिकवर करके बंद हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो आप रैली देख रहे हैं दोस्तों ये आपको कल के दिन कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। क्लियर हो गया पूरे के पूरे। अब चले जाते हैं दोस्तों दूसरे व्यू पे, प्लान नंबर बी पे। वन सेकेंड यार, मैं कहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भूल तो नहीं गया? नहीं भूला यार। तो देखिए दोस्तों सिंपल, कभी कभी भूल जाता हूं यार, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूं और उसके बाद देखता हूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ किया, कितना इरिटेट लगता है, तो यार चेक करना पड़ता है। प्लान नंबर बी थोड़ा सा ध्यान से समझिए यार, समझाने में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये तो प्लान नंबर ए आपको क्लियर समझ में आ गया कि ठीक है चलो डाउनफॉल होगा अगर ब्रेक डाउन करेगा तो। प्लान नंबर बी ये है, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुला, उसके बाद दोस्तों उसके बाद अगर 22,677 के ऊपर गया, थोड़ा सा डिप मार के अगर ऊपर जाना चालू किया, तो जो रिस्की प्लेयर है ना वही सिर्फ कॉल खरीद सकते हैं। आप बोलोगे रिस्की प्लेयर, मैं बताऊंगा कि एक स्वेप प्लेयर कब कॉल खरीद सकते हैं या फिर ट्रेंड कब चेंज होता हुआ दिखेगा। तो पहले तो रिस्की प्लेयर की बात करते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई रैली पकड़ा जाए तो भाई बॉटम से ही पकड़ा जाए, तो अगर 22,600
77 अगर ब्रेकआउट करता है देन डेफिनेटली आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। रीजन में आपको बोल देता हूं, ऊपर से अगर आप देखोगे दोस्तों एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में कहना चाहूंगा। एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया, दोबारा भी ट्रेंड लाइन को टच किया और नीचे गिरा, तो सिंपल बात है ये ट्रेंड लाइन अगर टूटेगा उसके साथ साथ आखिरी टाइम पे अगर आप देखोगे 22,672 से 22,677 यानी कि यार 22,072 से 22,077 ये जो जोन आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से आखिरी टाइम पे निफ्टी दो बार रिजेक्ट किया है। तो कल के दिन अगर इस जोन के ऊपर जाता है और थोड़ा ऊपर सस्टेन होता है और ट्रेंड लाइन वगैरह टूटता है तो डेफिनेटली आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। क्लियर है? मैं रिस्की क्यों बोला था, क्योंकि 22,699 यानी कि 22,700 चलिए पकड़ लीजिए राउंड फिगर, ये भी एक रेजिस्टेंस है। यहां से मार्केट टूटा था थोड़ा ऊपर जाके, अगेन यहां से टर्निंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं, तो ये भी स्विंग है। तो अगर ये 22,700 के ऊपर अगर चला जाए ना तो ठीक है, आप अच्छा खासा मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं या फिर सेफ प्लर बाय कर सकते हैं। बाकी तो मैं लाइव मार्केट में दे ही दूंगा फ्री वाले ग्रुप पे, ठीक है। प्लान भी समझ में आ गया, प्लान सी पे जाते हैं, ये इसको मैंने ड्रॉइंग ही रिमूव कर लिया। प्लान सी ये है दोस्तों, छोड़िए अगर मैं गैप अप के इंसिडेंट्स के साथ भी बता दूं तो भी चलेगा ना, कुछ अलग क्यों आपका टाइम खराब करूं। तो प्लान सी में कुछ अलग बताने वाला था, कि यही बताने वाला था कि भाई ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है तो यहां से मार्केट टर्न होगा, बट वो बताए कोई फायदा नहीं क्योंकि गैप अप होगा तो वैसे भी हम सेलिंग करने वाले हैं। तो सीधे प्लान वो सी पे ही आते हैं। अगर कल के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो दोस्तों एम पैटर्न बनते ही सेल कीजिए, लोअर लो बनते ही दोस्तों सेल कीजिए। अगर एक रेंज में रहा, रेंज नीचे की तरफ टूटता हुआ दिखा तो सेल कीजिए, या फिर दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना तो सेल कीजिए, यानी कि भाई सेल ही सेल कीजिए अगर गैप अप खोला तो। रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खोल जाता है इस एरिया पे, ठीक है 22,730 के आसपास, तो भाई रेजिस्टेंस ही अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था। क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था निफ्टी, आखिरी टाइम पे कहीं ना कहीं 12:10 के बाद ये सपोर्ट टूट गया तो मार्केट नीचे मूव किया। तो कल इस एरिया पे खुलेगा तो वैसे भी पहले तो ये सपोर्ट था लेकिन कल के दिन ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहां से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो अगर कल गैप अप खुलेगा देन डेफिनेटली यहां से कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल का ही मूव देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, तो अगर गैप अप खुलेगा और यहां से एम पैटर्न बनेगा तो सेल करना है, यहां से लोअर लो बनना है तो सेल करना है, मतलब गैप अप खुलेगा तो हमें सेल नहीं करना है दोस्तों अगर बड़ा गैप अप खुला तो, ठीक है पैटर्न वगैरह तो मैं आपको बता दिया। प्लान डी क्या है दोस्तों, अगर कल के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है लाइक दिस इस एरिया पे तो जाके दोस्तों आप डब्लू पैटर्न बनते ही बाय कीजिए, हायर हाई बनते ही बाय कीजिए, गैप डाउन खुल के रेंज में रहा, रेंज ऊपर की तरफ टूटता हुआ दिखा तो बाय कीजिए, यानी कि गैप डाउन खुला तो बाइंग के बारे में जाएंगे नो डाउट, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है दोस्तों। तो सिंपल बात है अगर गैप डाउन खुला तो वैसे भी सपोर्ट के पास मार्केट खुलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेफिनेटली हम बाइंग की तरफ ही जाएंगे। क्लियर हो गया पूरे के पूरे? अब चले जाते हैं ऑप्शन चेन पे। 22,645 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, तो ये हमारे कॉल राइटर या हमारे पुट राइटर, और 22,665 के आसपास क्लोज दिया है। 22,700 पे अपना काम दिखाना चालू कर चुके हैं कॉल राइटर, 38,55,300 से ज्यादा कॉल राइटर बैठ चुके हैं 22,700 के लेवल पे, जबकि 22,750 के लेवल पे दोस्तों 39,09,550 से ज्यादा कॉल राइटर बैठ चुके हैं। तो क्लियर कट पता चल रहा है रेजिस्टेंस 22,800 पे भी आप देख लीजिए 40 लाख, 22,850 पे भी दोस्तों 39 लाख, भाई मतलब यार 200 पॉइंट तक तो फिर ऐसे ही पकड़ा जाए तो अच्छा खासा कॉल राइटिंग है फिर तो। 22,700 या फिर 750 के ऊपर एग्रेसिवली अगर मार्केट सस्टेन करने लग गया, बड़ा बड़ा दो तीन ग्रीन कैंडल मार दिया, शॉर्ट्स कवरिंग वगैरह आ गया, तब जाके बात बनेगा। तो 22,700 या फिर 750 के ऊपर थोड़ा बुलिश कहीं ना कहीं टेरिटरी में मार्केट जाता हुआ दिखेगा। नीचे की बात करूं तो 22,700 पे दोस्तों 10,69,000 कहीं ना कहीं पुट राइटर बैठे हैं, उसके नीचे -1 लाख -7 लाख वैसे ही पुट राइटर भागते हुए दिखे, इवन 22,500 के लेवल पे भी -8 लाख पुट राइटर भागते हुए दिखे। और रीजन सिंपल है 12 बजे के बाद जो फॉल हुआ है,
तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन दिख नहीं रहा है पुट राइटर में जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बस 22,700 या फिर 650, 600 के नीचे जाए तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं सेल की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, अब चले जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो प्लान नंबर ए सिंपल है दोस्तों। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुला एंड देन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके 10,848 अगर तोड़ दिया, देन डेफिनेटली हम पुट बाय करेंगे। क्योंकि सिंपल बात है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे कल के दिन सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया था, आज के दिन भी आखिरी टाइम पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो ये एक बार हो गया, ये दो बार हो गया। तो कल के दिन अगर इसके नीचे आता है 10,848 के नीचे, देन डेफिनेटली हम सेल करेंगे। अगर मैं बात करूं बाइंग का तो बस मार्केट फ्लैट खुला ऊपर गया और कहीं ना कहीं 10,904 लाइक 10,895 से 10,904, यहां से अगर एम पैटर्न बनता हुआ दिखा, लोअर लो बनता हुआ दिखा, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पुट बाय करेंगे। क्योंकि एक बार यहां से सपोर्ट है, दो बार यहां से सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूटा फिर रेजिस्टेंस बन के फिर नीचे आ गया। तो अगर इसी रेजिस्टेंस पे अगर कहीं ना कहीं एम पैटर्न वगैरह बना, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पुट के तरफ ही जाएंगे। ध्यान रखिए ये 10,895 से 10,904, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट है, टूटा है, रेजिस्टेंस रिएक्ट भी किया, नीचे आया है, तो इसको बाय मत कीजिए, यहाँ पे जाएगा तो सेल के तरफ ही सोचिए। हाँ, 10,904 के ऊपर थोड़ा बाय वगैरह सोच सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं 6 बजे करेक्ट सेकेंड वीडियो में लेके आ रहा हूँ। टेक केयर, बाय एंड सी यू।